नमस्कार। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि मैंगो हमारे पास जैसे गल जाते हैं थोड़ा सा, बहुत बार क्या होता है कि बच्चे नहीं खाते हैं और हमारे ज्यादा आ जाते हैं तो वो थोड़े से पल्पी से होने लगते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं कि अगर उसको या तो हम फेंक देते हैं, है ना। तो मैं आज ये थोड़े मेरे मैंगो थे तो ये थोड़े ना ऐसे हो गए गले गले से, तो मैंने सोचा मैं इस तरह से करके रख देती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप आज आपको भी सिखाऊं। तो मैंने ले लिया है, ये ग्राम में है, ये 500 के करीबन, 500 ही है। और ये इसमें चीनी रख दी है, ये भी 500 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक स्पून की हेल्प से इसको मिक्सी जार में डालेंगे इस तरह से। आके रखती हूँ इसीलिए, आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो ये हो गया, ये 500 ग्राम है और ये 500 ग्राम चीनी है। और आपको इस ऐसी कोई परेशान होने वाली वो नहीं है बात। अगर आपके पास, जैसे मैं तो ब्रेड बनाती हूँ तो मेरे पास मेजरमेंट का ऑप्शन है, लेकिन आपके पास अगर मेजरमेंट का ऑप्शन नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बाउल लें, और एक बाउल, जितने बाउल से आप मैंगो लेंगे, मतलब मैंगो प्यूरी लेंगे, उसी बाउल से आप चीनी लेंगे, बस इसका यही मेजरमेंट है। और तो अब लाइए हम उसको पीस लेते हैं। रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया हो गया है, बिल्कुल प्यूरी बन गया है इसकी। तो अब ये क्या होता है, हम जो इसमें चीनी डालते हैं ना, वो ये इसको प्रिजर्व करती है, तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करती है। तो अब हमने इसको रख दिया। जब कभी क्या होता है कि जब हमारे पास ज्यादा मेहमान आ जाते हैं और हमको उनके साथ बैठना भी होता है और हमारे पास टाइम कम होता है, जैसे कि मैं वर्किंग हूँ तो मुझे मुझे दिक्कत होती है कि फ्रीजर में रखें, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में, और फ्रीजर में रख के इसे कभी भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया रेडी। और अब इसको एकदम एयर टाइट बंद कर देना है। ये देखिए आपकी प्यूरी हो गई है रेडी, ये देखिए। और कभी भी आपके घर कोई गेस्ट आए, फटाफट आप, चाहे आपको कोई पुडिंग बनाना हो, चाहे तो आपको कोई शेक बनाना हो, या कोई मैंगो वाली डिश आपको प्यूरी से बनानी हो, या मॉकटेल बनाने हो, तो आप इससे बना सकते हैं।